मुंबई से आया हूँ, ये वो दुनिया भर का डींग मारते हैं भाई। उनकी लाइफ एक किचन के बराबर रूम में ही बीत जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं यहाँ पे रूम खोजा, काफ़ी रूम खोजने के बाद दोस्तों मुझे यहाँ रूम वगैरह मिला नहीं। और दूसरी बात दोस्तों, जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था, यहाँ पे जॉब मुझे नहीं मिला। तो फिलहाल दोस्तों मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं अभी यहाँ से मैं दूसरी जगह एक कुरला में ही मुंबई में दोस्तों एक दोस्त रहता है, मैं उसके उधर जाने वाला हूँ। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम चलते हैं और देखते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी जो समस्या है दोस्तों, यहाँ ट्रेन की समस्या है। क्या है कि अभी ट्रेन वगैरह दोस्तों ने कि कोविड वालों को ही एंट्री दे रही हैं, जिनका इंजेक्शन दोनों डोज हो गया है, तो उनको ही सिर्फ वो बैठने के लिए दे रही हैं। और दोस्तों अभी मेरा क्या है कि कोविड का एक ही डोज लगा है, और दूसरा डोज दोस्तों अभी 1 महीने के बाद लगेगा, तो वो मेरे लिए दिक्कत होगी। तो वो मैं सोच रहा हूँ, अब देखते हैं कैसे जाते हैं। तो अभी फिलहाल मैं बस वगैरह का देखता हूँ क्या सिस्टम है, क्या सिस्टम बनता है, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ यार। फिलहाल मैं इसे छोड़ के, और मैं वाकई यहाँ थोड़ा तंग आ गया था, तो फिर वहाँ पे चल के देखते हैं यार। अगर वहाँ पे कहीं जॉब वगैरह का सेटिंग बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ से भी कहीं जाना ही पड़ेगा यार, क्योंकि अभी जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो फिलहाल दोस्तों हम चलते हैं, थोड़ा तैयार वगैरह होते हैं, अपने बैग पैक को पैक करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। ओके, तो दोस्तों जब लोग मुंबई से गाँव जाते हैं तो बड़ी डींगे मारते हैं, कहते हैं भाई मैं मुंबई से आया हूँ, भाई ऐसी घटिया ज़िंदगी जीते हैं। भाई मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं भाई मैं मुंबई से आया हूँ, ये वो दुनिया भर का डींग मारते हैं भाई। उनकी लाइफ एक किचन के बराबर रूम में ही बीत जाती है, पूरी ज़िंदगी वो बिता देते हैं भाई। एक किचन के बराबर रूम होता है, और घर जाएंगे तो इतने डींगे मारेंगे कि भाई मैं मुंबई में रहता हूँ, ये रहता हूँ, वो रहता हूँ। भाई मुंबई में देख लिया भाई, भाई मुंबई अपने को ना जमता, लेकिन क्या करेंगे भाई, पैसे के लिए हम भी पड़े हैं और सब पड़े रहते हैं, तो ठीक है चलता है। तो फिलहाल दोस्तों मैंने जैसे आपसे कहा था कि मुझे भाई वहाँ काम वगैरह नहीं मिल रहा है, तो मुझे जाना है अपने एक दोस्त के यहाँ कुरजा में। तो दोस्तों मैं वहाँ से तो कुरजा में चला आया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आने के बाद मुझे एक चीज़ और समझ में आई कि दोस्तों अभी बगैर ट्रेन के चालू हुए मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे जीरो हूँ। तो दोस्तों फिलहाल मैं यहाँ पे आके पिछले 2 दिन से रुका हुआ हूँ, और यहाँ पे दोस्तों छोटा सा रूम है, और ये देख सकते हैं एक ही रूम में सब कुछ ऐसे कपड़े वगैरह पड़े रहते हैं, खैर चीज़ें मैनेज करनी पड़ती। और दोस्तों मुझे वहाँ आने में इतनी तकलीफ़ हुई, पहले तो मैं डर रहा था कि यार मैं ट्रेन में बैठूंगा, टीटी पकड़ेगा तो फाइन वगैरह मार देगा। तो मैं क्या किया, वहाँ से बस पकड़ लिया, बस पकड़ के दोस्तों मैं थाने तक तो आ गया, लेकिन थाने तक जब तक मैं पहुँचा दोस्तों बहुत रात हो चुकी थी, 10 बज गए। अब मेरी हालत दोस्तों होने लगी ख़राब कि अगर मैं ज़्यादा लेट करता तो मुझे दिक्कत हो जाती। तो मैं भाई मैं नया हूँ, यहाँ आने में दिक्कत वगैरह कई चीज़ें की समस्या थी। तो दोस्तों मैंने फिर क्या किया कि मैंने थाने से लोकल ट्रेन पकड़ ली विदाउट टिकट, भाई मजबूरी थी मेरी, मैं क्या कर सकता, लेकिन मैं आपको सजा दूंगा, आप कभी भी ऐसी गलती ना करें। तो दोस्तों मैं फिलहाल ट्रेन पकड़ के यहाँ पर पहुँच गया। पहुंचने के बाद दोस्तों मैं सोचा यहाँ कहीं आसपास जॉब वगैरह देखेंगे, लेकिन जॉब को कोई कहानी नहीं बन रहा है। तो दोस्तों फिलहाल मैं यहाँ पे रुका हूँ, तो यहाँ का मैं आपको रूम भी दिखा देता हूँ और व्यूज़ वगैरह भी दिखा देता हूँ, काफ़ी बेहतरीन व्यू लगता है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये रहा यहाँ का व्यू, काफ़ी प्यारा लगता है यार, यहाँ से एक नंबर का लगता है वाकई। पूरा चारों तरफ बिल्डिंग वगैरह है केरे पुरजा में, लेकिन यार दोस्तों यहाँ पे सबसे समस्या ना, अब मैं आपको रूम दिखाता हूँ, बहुत छोटा सा रूम है। अब यार ये देख सकते हैं, ये पूरा इतना एरिया है, और यहाँ पे भी देखो दोस्तों छोटा सा एक किचन है, ये रहा छोटा सा एक किचन। और ये अंदर मैं दोस्तों आपको बाथरूम भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि ठीक ठाक है, लेकिन पानी की समस्या तो खैर है ही है, पानी की समस्या पूरे मुंबई में है। जो पिछले रूम पे रुका था दोस्तों वहाँ से काफ़ी बेहतर है भाई, कि 1 किलोमीटर कम से कम लोटा उठा के नहीं जाना पड़ता, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों है क्या, सोने की समस्या। और इस रूम का किराया दोस्तों 4,500 रुपये है, छोटा सा रूम है। आप जितना बड़ा आपका एक किचन होता है ना, उतना बड़ा ये रूम है। तो आप यही सोच लीजिए, जितना बड़ा आपका किचन है उतना बड़ा ये रूम है, और इतने में 4 लोग रहते हैं। अब सोच के देखो, आदमी यार मजबूरी भी है ना, 4 लोग रहने की मजबूरी भी है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है तो पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो भाई कैसे भी रह के आदमी को मैनेज करना पड़ता। तो ऐसे ही चल रहा है फिलहाल यहाँ पे अभी सबका, लेकिन अभी फिलहाल तो मेरा कोई जॉब वगैरह का कहानी बना नहीं है, देखते हैं क्या करते हैं।
और अभी फिलहाल हम यहीं पे पड़े हुए हैं। मैं भी सोच रहा हूँ यहाँ से निकल के दोस्तों पुणे वगैरह चलते हैं यार, क्योंकि यहाँ पे जॉब का अभी कहानी एकदम नहीं बन रहा है और हमें हर हाल में पुणे ही जाना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं आज कोशिश करूँगा टिकट वगैरह मिल जाए तो मैं यहाँ से पुणे निकलता हूँ। तो रूम तो वही जानते हो, एक किचन के बराबर का रूम होता है। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके बाय।